नमस्कार, मैं हूँ सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। आज हम आए हैं बर्डी के मेन मार्केट में, जहाँ आप चारों तरफ देख पाओगे कि दिवाली की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारियाँ शुरू है। बहुत सारे लोग यहाँ शॉपिंग करने आए हैं, तो कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे कि इस बार दिवाली में उनकी क्या क्या तैयारी है। कैसी तैयारी चल रही है दिवाली, क्या क्या सोचा है, क्या क्या कर रहे हो दिवाली में? आज धनतेरस है तो कुछ बहू या बच्ची के लिए कुछ खरीदने आए हैं घर के लिए, बस। और थोड़ा फूल लेंगे, छोटी छोटी चीज़ें ले रहे हैं। अभी तक तो गोल्ड का कान के लिए, बच्चे के लिए, आरती के लिए, अभी ये सब ले रहे हैं। लक्ष्मी का शुभ लाभ लिखा हुआ तो सब दरवाजे पे चिपकाने के लिए, लक्ष्मी के पाँव ये सब, और कुछ एक बर्तन ले लेंगे आज धनतेरस से। तो अच्छा, बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह हो चुका है? आपकी खुद की शॉपिंग हो चुकी है? हर बार की तरह इस बार भी, जैसे कि वो मेडिकल चौक पे वो है ना, मिलियन कौन सा है, ट्रिलियम है, ऐसा कुछ, ट्रिलियम हाँ, वहाँ पर एक जगह गए थे तो सबके लिए ले लिया। अच्छा अच्छा, और मैं दादी हूँ तो मैंने सबको ले लिया, बच्चे के लिए से, बहू बेटे सबको बोला ले लो। आपने अपने लिए कुछ ले लिया? ऐसे ही वाला लिया, जैसे अभी क्या लिया आपने? ऐसे वाला क्या लिया आपने? गोल्ड में क्या लिया? गोल्ड में अभी तो कान के लिए ऐसे, इस बार तो रेट भी बहुत ज्यादा है ना गोल्ड का, बहुत ज्यादा है। और अभी हर बार की तरह, जैसे कि अभी कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ रही है, लोग बाहर निकलने के लिए ज्यादा, लोग आना जाना नहीं है इसीलिए। नहीं, जैसे कि आप भी बाहर आए हो तो अभी किन किन बातों का ध्यान रख रहे हो, क्या क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं? कि डिस्टेंसिंग है और मास्क बराबर है क्या, बस। और दूसरा कि बाहर नहीं खा रहे आजकल, पहले हम लोग निकलते थे तो हम लोग दोनों बहनें आते थे बाहर, एक बार जरूर खा के निकलते थे, जाते थे वापस जाते थे, कुछ ना कुछ खा के निकल। आज नहीं, अभी हमने सोचा कि बस कुछ खाएंगे नहीं घर से। बाहर की तरह रेट में कुछ फर्क दिखा आपको, कपड़ों में, ज्वेलरी में, या फिर बाजार में दिवाली के? नहीं, वही है, थोड़ा सा मतलब कम ज़्यादा हुआ। अभी देखो तो उतना तो ये 2020 है, थोड़ा तो बढ़ेगा ही। अभी ने तो बेचारे कमाएंगे क्या, है ना, उनको भी तो मिलना चाहिए ना कुछ। आप अपने घर में कैसे तैयारी करते हो दिवाली की? हम लाइटिंग करते हैं घर में, वो तो मेरे बेटे ने कर लिया रात को, और कुछ नहीं, यही बनाते हैं लक्ष्मी के पास पूजा तो मिठाई और रखते हैं घर का बना हुआ, खीर पूरी ये रखते हैं। और वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बनाते हैं दिवाली में? अनार से वगैरह, अनार से सारा रेडीमेड मंगा लिया, सारा रेडीमेड, क्योंकि वो पहचान वालों कोई ना कोई बोल रहा है कि हमारे यहाँ ये बनाने के लिए आते हैं, तो उनके पास से ले लिया हमने। लड्डू ऑर्डर कर दिए, मेरे बेटे ICIC में है। अच्छा, तो उसके ऑफिस में एक लेडी है, उसने खुद पूछा कि कम से कम उनको हेल्प हो जाती है जिनके यहाँ बनता है। हमने भी कहा ठीक है, उसी के पास से लड्डू और ये ले लिया, चकली, लड्डू, अनार से, ये तीन बोल दिया। बाकी जैसे अभी कोरोना की वजह से, जैसे आप देख रहे हो कि मार्केट में इतनी ज़्यादा रश है, जबकि ऐसे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आप ऐसे आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हो उसके बारे में? हम तो यही कहना चाहते हैं भैया, कम से कम अपने बच्चों को लेके निकलो, जरूरी नहीं है बच्चों को लेके ना। हम भी अपने यहाँ पे बच्चों को इसलिए नहीं ना लाती नहीं है बाहर, क्योंकि बच्चों को और हम लोगों, हमारे तो 60 के ऊपर है हम लोग, लेकिन आप लोगों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए, लोगों को भी ज़्यादा जाके हमारे पास हमारे नातों के साथ ही हमको रहना है, इसीलिए हम लोग गए बरोबर घर में, सबसे पहले सैनिटाइज करके पहले हाथ पाँव धोते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद ही बच्चों को हाथ लगाते हैं या घर में किसी चीज़ को छूते हैं। अब बस ये नियम से कर रहे हैं, अभी कहीं भी गए थे तो हम लोग। धनतेरस के कुछ विशेष पूजा वगैरह होती है? धनतेरस ही नहीं, दिए जलाते हैं, और धन के यानी अभी जैसे लक्ष्मी जो भी चीज लिया हमने चांदी का या गोल्ड का, उसकी पूजा करते हैं। आप कुछ बोलना चाहोगे? आप भी बोलिए कुछ, क्या बताना चाहते हो? मैं तो क्रिश्चियन हूँ। आप तो क्रिश्चियन हो? मैं दिसंबर में बताऊंगी जो फिर भी कुछ तो हमारे यहाँ लाइटिंग, मेरा लड़का दिवाली है ना ऑल इंडिया मनाते हैं, तो मेरे बच्चे ने लाइटिंग कर दिया। हम तलश शेख से आज बात करने वाले हैं, जो बर्डी के मेन मार्केट में शॉपिंग करने आई है। तलश शेख बताइए, क्या कर रहे हैं आप? मैं मांग रही हूँ ना। अरे यार, मांग रही तो मांग रही हूँ, बोलो ना कुछ। मांग रही हूँ
नहीं ऐसे मत, क्या करूँ आप ना इससे 100 रुपए लेके जाऊंगी, ठीक है 100 रुपए लेके जाऊंगी इससे, ये मेरा इंटरव्यू ले रही है, ठीक है। अब 10 रुपए मांग रही थी, काका भी देंगे अभी 10 रुपए। अरे काका क्या क्या खरीदे तुमने? अरे कुछ नहीं खरीदी मैंने, नेल पॉलिश खरीदी, तो अब तू खरीद के देंगी ये, ठीक है ना। और क्या खरीदे? अब हो गया इंटरव्यू, मांगने जाना है ना भाई? अरे नहीं ना, 2 मिनट रुक जाना, मेरी गुरु आएंगी तो मेरे की देंगे। किधर है गुरु? इधर नहीं है, उधर। कहाँ रहते आप? नागपुर में रहती ना, तलाश तलाश कहाँ रहते? नागपुर में। नागपुर में कहाँ पे? नागपुर में कहाँ पे? इतवारी। इतवारी में रहते। हाँ। कैसी चल रही दिवाली की तैयारी? अरे बहुत धूमधाम से चल रही है, ये देखो। हाँ क्यों नहीं लगूंगी, बिल्कुल लगूंगी। तुम्हारी कैसी चल रही है? बिल्कुल है, कैसी लग रही है मैं आज? अच्छी लग रही है, तू मेरे को सेंड करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास वो है मोबाइल? है ना। बताओ क्या बता रही थी, क्या पूछ रही थी? दिवाली की क्या क्या तैयारी की है? दिवाली की कुछ नहीं की मैं, अभी कमा रही हूँ, कल कपड़े लूंगी दिन में जाके, और सुबह जाके मार्केट मांगूंगी, फुल मार्केट। अच्छा, वहाँ से 5-6 हजार निकलेंगे, 8 हजार के कपड़े लूंगी। 8 हजार के लूंगी? 8 हजार के। 8 हजार के कपड़े लूंगी? हाँ, क्यों नहीं लूंगी, हमारे घर पहनने के दिन नहीं है, इतना शॉर्ट पहनूंगी। हाँ बात है पूरा, और पटाखे फोड़ूंगी, आज चूड़ा भी खाऊंगी। सब खाऊंगी। कुछ बनाए घर पे? कुछ नहीं बनाया ना, कल रेडीमेड लेके आऊंगी ना। अच्छा, इतने सारे लोगों के लिए कौन बनाएगा? कितने लोग हैं घर पे? आए बहुत, 50 लोग है। 50 लोग? हाँ 50 लोगों की। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तेरी दिवाली हो गई? नहीं अभी दिवाली, शॉपिंग हो गई तेरी? नहीं। कब करेंगी? तो सैलरी मिलने के बाद। आए मैं ले ले। नहीं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी मैं यूट्यूब पे डालने वाली हूँ तुम्हारा।